देख सकते हो एक आयन गोलम मेरे आपके सामने स्पॉन हुआ और वो नीचे जा चुका है। तो नीचे चल के देखते हैं फटाफट से। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक आयन गोलम अभी अभी मर रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मरने का वेट कर लेते हैं आयन गोलम का। तो देखते हैं ये कितना आयन हमको देता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए मर चुका है, तो हमको ये 4 आयन दे चुका। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आपका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले एक आयन फार्म, जिस आयन की जरूरत हर किसी को होती है वो वाला आयन फार्म आज हम बनाने वाले। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप इसे आराम से बना सकते हो। बस आपको थोड़े विलेजेस लाने होंगे जिसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी आपको, और बाकी सब तो ये इजी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते ज़्यादा देर ना करते हुए। तो यहाँ पे आपको 3 ग्लासेस रखने, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर इधर 3 रखने और ये साइड भी आपको 3 रखने, तो कुछ इस तरीके से 3 रखने। पीछे आने के बाद आपको यहाँ पे 2 चेस्ट रखना है और इनको हॉपर से अटैच कर देना है। जितने भी आयन आपके कलेक्ट हो गए हॉपर के थ्रू चेस्ट में जाएंगे, इसलिए आपको ये अटैच कर देना होगा। ओके, ऊपर नहीं करना है, इसके थ्रू करना है। और ये साइड से भी कर देता हूँ मैं। और इसके ऊपर आपको फायर कैंप रख देना है। फायर कैंप इसलिए क्योंकि कैट होती है वो लावा से सर्वाइव कर जाती है, बहुत पावरफुल कैट होती है, इसीलिए उनको मारने के लिए। और वैसे भी कैट भर जाएगी तो आपका आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आपका फार्म भी थोड़ा कम अच्छे से वर्क करेगा, तो कैट को मारना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसको मारते हो। कि इधर गलती से लग चुका है फार्म, तो चलिए इधर फायर कैंप लगा देते, एक बचा है। चलिए यहाँ पे भी लगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हो ये मैंने एक ग्लास ब्लॉक रखा है, आपको इसके ऊपर 4 और रखने के, तो 1, 2, 3 और ये 4। तो इतना लेवल सबको ऊपर ला देना है, तो मैं इसको फटाफट से इतना लेवल ऊपर ला देता हूँ। तो हर एक डायरेक्शन से आपको 5 लेवल टोटल, आप सरफेस से 5 लेवल आपको ऊपर लाने हैं। तो मैं ला देता हूँ, कितने, 1, 2, 3 और ये हो गया 5। इस साइड से भी ला देते हैं हम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करना। तो फटाफट से हम इसको ला देते हैं, इधर से भी ला देते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया है। अभी आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर जाना है। ओके, ये फायर कैंप रखने पे इधर कुछ दिख तो नहीं रहा हमको, लेकिन कोई बात नहीं। फिर आपको यहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम साइन बोर्ड को ना लगा देते हैं। ओके, हमको तो दिख ही नहीं रहा यहाँ से, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमको साइन बोर्ड लगा देना है, तो पूरे 9 साइन बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो हम फटाफट से 9 के 9 साइन बोर्ड लगा देते हैं यहाँ पर। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसा दिखेगा साइन बोर्ड लगाने के बाद। तो यहाँ से दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं, तो यहाँ से अच्छे से तो नहीं दिख रहा होगा फायर कैंप, ओके यहाँ से दिखेगा। देख सकते हैं 9 ऐसे लगाना हो गया आपको। फिर आपको इसके ऊपर एक लावा का बकेट डाल देना है, तो मैं डाल देता हूँ एक लावा का बकेट। ओके, गया नहीं, अभी तो नहीं गया, रुकिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ओके, पूरी तरह फैल जाना चाहिए, तो एक बार दूर से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ इस तरीके से, इससे आयन गोलम मरेंगे तो ये लावा से थोड़ी जल्दी मरते, इसलिए आपको लावा लगाना ही पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, कोई भी आपको रैंडम ब्लॉक लेना है, तो देखिए मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। तो आपको इसके ऊपर रैंडम ब्लॉक रख देना, आप कोई भी ब्लॉक रख सकते हो, मैं इधर क्वार्ट्ज़ के ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ, तो देख सकते हो। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, देख सकते हो। तो ये जो सेंटर वाला ये जो ब्लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इससे आपको इधर 9 लेवल लेके आना है। तो ये एक पहले से, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, तो ऐसे करके टोटल 9 लेने हैं। और ये डायरेक्शन से भी आपको 9 लेने हैं, तो 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये साइड से 9 और ये साइड से भी हमको 9 ही लेना है। तो हम फटाफट से हर एक डायरेक्शन से 9 ले लेते हैं, ये 6, 7, 8, 9। तो आपको है ना ये पूरा का पूरा कनेक्ट कर देना है, मैं फटाफट से इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इन सबको कनेक्ट करने के बाद में, तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ये टोटल 18x18 का एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपके आयन गोलम स्पॉन होंगे। और याद रखना, आप ये है ना एक विलेज के दूर बनाना, मेरा वहाँ पे एक दूर पे एक पहले से आयन गोलम फार्म है, मैंने ये बनाया था, तो उससे आपको दूरी बनाना, अगर आपने कोई भी फार्म बनाया तो, या विलेज, उससे दूरी बनाना है। फिर ये प्लेटफॉर्म बनने के बाद आपको है ना कोई भी एक कॉर्नर पे आके इसको है ना 2 लेयर इस तरीके से ऊपर करना और नीचे का तोड़ देना है, तो 2 लेयर का इस तरीके से बॉर्डर बना देना है। तो हर एक डायरेक्शन से आपको इसको कवर कर देना है क्या। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने ना ये कवर कर दिया, हर एक एरिया में डबल डबल लेयर ऊपर कर दिए मैंने हर एक डायरेक्शन से। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर स्लैब लगाना है। आप इसके ऊपर लिफ्ट भी लगा सकते हो, अपन वो काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है काटने में, इसके लिए शेयर्स चाहिए होता है, ट्री ढूंढने पड़ते हो। लेकिन अगर आप स्लैब लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और इससे ना कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होते, ये
सरफेस के ऊपर, इधर स्लैब आधे स्लैब के ऊपर तो कोई भी स्पॉन नहीं होता, आपको भी पता ही होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर ना स्लैब लगाना होता है हर एक डायरेक्शन में। तो मैं सारे के सारे स्लैब लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने हर एक ब्लॉक के ऊपर स्लैब लगा दिया और हर एक कॉर्नर में मैंने एक एक ब्लॉक रखा है। आपको भी ऐसे ब्लॉक रखना है और फिर लास्ट में आपको है ना हर एक ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से जाके पानी वाटर आपको रख देना है, एक एक ब्लॉक ऊपर रखना है आपको। तो देखिए इस साइड भी मैं कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप भी अच्छे से देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाटर बकेट लेना है और ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको छोड़ के आपको सेकेंड ब्लॉक से वाटर डालना शुरू करना है। और इस तरफ भी आपको है ना एक ब्लॉक को छोड़ के सेकंड ब्लॉक पे आपको वाटर फेंकना है। तो देख सकते हो ये सेंटर में आ जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पे भी एक ब्लॉक छोड़ के आपको ये वाले ब्लॉक से वाटर फेंकना चालू करना है, सोस बन जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। फिर देखिए इतना होने के बाद आपको कोई भी एक कॉर्नर पर आना है, जैसे कि मैं ये कॉर्नर पर आता हूँ और आपको यहाँ नीचे से ये एक ब्लॉक यहाँ पर, सॉरी इसके ऊपर वाले यहाँ पर आपको एक ब्लॉक रखना है, इसके नीचे रखना है गाइस। तो यहाँ पे आपको एक ब्लॉक चार ब्लॉक रखने हैं, एक दो तीन चार और ये पांचवा, तो आपको ये टोटल पांच ब्लॉक रखने हैं और इसको यहाँ तक खींच के लेके आना है। ये हो गया टोटल 4x4 का आपको ये बना देना है, देख सकते हैं। तो इधर से 5 बन चुका है, जैसे 4, तो इसलिए आपको ये कवर कर देना है इस तरीके से। तो मैं इधर से कवर कर देता हूँ, हर एक डायरेक्शन से आपको कवर कर देना है। इसके अंदर आपके विलेजर्स आएंगे, आप चाहे तो चारों चार कॉर्नर पे विलेजर ला सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा आपकी, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना होगा अगर आप सवायर में खेलते हो। तो मैं पहले इसके अंदर विलेजर्स लेके आता हूँ और बेड भी आपको रखना है। आप फ्लीचिंग टेबल यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके अंदर विलेजर्स लाने से पहले हमें यहाँ पर जाके पहले बेड को आराम से रखना होगा। तो हम पहले यहाँ पर एक ब्लॉक रख लेते हैं और इसके ऊपर हम एक दो तीन और चौथा हमको करना है इससे। तो हमें इसके ऊपर बेड्स रखने, इधर हम एक एरिया बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमको एरिया बना लेना है। तो इसके ऊपर हमको टोटल 10 बेड रखने, आपको 10 विलेजर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फटाफट से 10 विलेजर के लिए एक स्पॉन का एरिया बना देता हूँ जहाँ पर उनके बेड रहेंगे, एक एरिया। तो यहाँ पर भी हम इसे बना लेते हैं, ओके। और एक हम यहाँ पर बना लेते हैं, ओके। हम इधर 10 बेड रखेंगे। तो पहला बेड हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा, एक मिनट, चौथा बेड यहाँ पे रखते हैं। और बाकी के 6 बेड आप कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे भी रख देता हूँ, यहाँ पे। ये कितने हो गए टोटल, ये टोटल 4, 5, 6, 7, 8 बेड हो गए एक यहाँ पे, और लास्ट आप यहाँ पे रख देना। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और इस नीचे वाले जितने भी ब्लॉक हैं सबको तोड़ देना, नहीं तो आपके आयरन गोलम यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे। तो फटाफट से इनको तोड़ देता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा तैयार होने के बाद। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा। तो फिर हम काम करते इधर आते, फिर तो हमको 10 विलेजर्स लेके आने। आप माइंड कार्ड से लेके आ सकते हो, उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन हम इधर स्पॉन करते हैं। 1, 2, 3, 4, ओके। बेबी विलेजर आप नहीं यूज़ कर सकते गाइस, अगर बेबी विलेजर आप यूज़ करोगे तो आपका वर्क नहीं करेगा, ये फार्म किसी काम का नहीं बचेगा। तो हमको बेबी विलेजर को मार देना होगा। 3 हो चुका है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ओके। तो ये जो बिना काम का एक विलेजर होता है इसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ये काम नहीं करता, इसलिए कोई भी स्पॉन नहीं कर पाएगा। ये 8, ये 9 और लास्ट ये 10। तो टोटल 10 विलेजर आपको चाहिए। फिर आपको ये फ्लीचिंग टेबल लगा देना है, पूरे 10 फ्लीचिंग टेबल लगाने होंगे आपको। तो ये सारे फ्लीचलर बन जाए, तो देख सकते हैं ये हमारा आयन फार्म एकदम रेडी हो चुका है। सिर्फ आयन गोलम स्पॉन होने की देरी है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं इनको अभी तक फैशन नहीं मिला, इनका सब फ्लीचलर बन जाए तो इनका एकदम काम चालू हो चुका है। तो एक ब्लॉक तोड़ के हम इधर लगा के दिखाते हैं और एक साइड से तोड़ के लगा के देख लेते हैं। हर एक को फ्लीचलर बन जाना चाहिए, जो भी फ्लीचलर नहीं बनता आपको उसका ब्लॉक तोड़ के लगाना होगा एक बार। तो हम एक एक बार तोड़ के लगा लेते हैं, ओके। सब बन चुके गाइस, अब देख सकते हैं कोई भी बाकी नहीं है ना। तो हर एक बंदा बन चुका है फ्लीचलर, अब सिर्फ वेट करना है इसमें आयरन गोलम स्पॉन होने का। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं,
तो वैसे आप देख सकते हैं हमारा फार्म तो बन के रेडी हो चुका है, और ये अपनी जॉब एक बार छोड़ रहे ले रहे, एक बार इनकी जॉब एकदम परफेक्ट हो जाए ना तब एकदम काम अच्छे से हो जाएगा। तो सारे ने जॉब ले लिया, ओके ले लिया, अब सिर्फ हमको आयरन कॉलम का स्पॉन हो चुकी है। देखिए गाइस, कैट स्पॉन हो चुकी है, इसका मतलब ये फार्म अच्छे से वर्क कर रहा है, बस हमको आयरन कॉलम स्पॉन होने तक का वेट करना होगा। तो थोड़ा रात होने तक का वेट करते, रात होते ही इधर ये एक्टिवेट हो जाएगा पूरी तरह। इसमें आयरन कॉलम देख सकते हो, इसमें दो दो तीन तीन आयरन कॉलम आराम से स्पॉन हो जाएंगे। तो नीचे कैट एक स्पॉन हुई थी, देखते कैट को, कैट के मरने पर क्या मिलता है, तो चेक करते गाइस। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कैट मरी तो क्या मिला। तो कैट के मरने पे हमको स्ट्रिंग मिलता है, अच्छा ठीक है, मेरे को आज पता चला। बस हमको आयरन कॉलम का थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही नाइट हो जाएगी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं ज़रा नाइट करके देखता हूँ इधर से गाइस। तो मैं नाइट कर देता हूँ फटाफट से टाइम, और इधर नाइट क्लिक किया, इधर देखते आयरन कॉलम स्पॉन होते हैं नहीं। और आपको यहाँ पे टॉर्चेस थोड़े से लगा देने, नहीं तो इसमें मॉब स्पॉन होंगे तो आपके विलेजर्स को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो मैं यहाँ पे एक टॉर्च तो लगा ही देता हूँ, यहाँ पे बेक लगा देता हूँ, नहीं तो फिर विलेजर्स मर जाएंगे बेकार में। देख सकते सारे सारे विलेजर, अब सिर्फ आयरन गोलम का स्पॉन होने का हमको वेट करना है। ओके, नीचे भी कैट स्पॉन हो रही है, बस आयरन गोलम स्पॉन नहीं हो रहे, तो आयरन गोलम के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देख सकते हो हर एक, देखिए विलेजर्स बेड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा जैसे ये कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, एक कनेक्ट हो चुका है, अब जाके आयरन गोलम स्टार्ट होएगा स्पॉन करना। तो आयरन गोलम को स्टार्ट होने दीजिए, तो थोड़ा वेट करते हैं। देख सकते हो एक आयरन गोलम मेरे आपके सामने स्पॉन हुआ और वो नीचे जा चुका है, तो नीचे चल के देखते हैं फटाफट से। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक आयरन गोलम अभी अभी मर रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मरने का वेट कर लेते हैं आयरन गोलम का। तो देखते हैं कितने का कितना आयरन हमको देता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए मर चुका है, तो हमको ये चार आयरन दे चुका है और दो पॉपी फ्लावर दिया इसने। तो ये फार्म इस तरीके से वर्क करता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक्टिवेट होने में, जब एक्टिवेट होता है तो आयरन गोलम भर भर के स्पॉन करता है इसमें। तो ये फार्म कुछ इस तरीके से वर्क करता है गाइस। अगर आपको ये फार्म बनाना है गाइस तो आप बना सकते हो ये ट्यूटोरियल देख के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही फार्म के वीडियो सबको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नेक्स्ट माइनक्राफ्ट के वीडियो में।